I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about congruence of geometrical figures. So let's start with that. Introduction. Observe the following pairs of figures. Okay. So yeh hamari figures bani vi hai. Isme hai? A pair of different figures. Second one is a pair of figures having same shapes and different sizes. हमारी क्या है इसमें शेप्स तो सेम है पर उसके साइजेस डिफरेंट हैं थर्ड वन इज़ अ पेयर ऑफ फिगर्स हैविंग सेम शेप्स एंड साइजेस शेप्स भी सेम होनी चाहिए और साइजेस भी हमारे क्या हैं इस फिगर में सेम है सो टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम शेप्स एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट सो ऑप्शन थ्री इज अ कॉन्ग्रेट प्लेन फिगर्स बेटा सिम्बोलिकली वी राइट एफ वन इज इक्वल टू दैट इज़ अ साइन ऑफ कॉन्ग्रेंस एफ टू तो ये एक दूसरे का क्या है कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट है कंपेयरिंग द कॉन्ग्रेंस ऑफ सम जोमैटिकल फिगर्स सो स्टार्ट विद दैट फर्स्ट वन इज बेटर मैथड ऑफ सुपर पोजिशंस सो इफ वन प्लेन फिगर इज प्लेस्ड ऑन द अदर एंड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली दे आर कॉल्ड फिगर्स And this method of comparing two figure is said to be the method of superpositions. Example Consider the two equilateral triangles GOD and MAN, each of whose sides are of 3 cm. Is kibi 3 cm sides or And is kibi hamari 3 cm sides hai? If triangles GOD is placed on triangle MAN or MAN, ऑन जी ओ डी दैट मीन्स सुपर पोस्ट दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली एंड आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर बेटा अगर एक दूसरे के ऊपर हम इसको प्लेस कर देंगे तो वो हमारा एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर ही आएगा सो वी कैन से दैट सो दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर सिम्बॉलिकली वी राइट ट्रैंगल जी ओ डी इज इक्वल टू एम ए एन लाइक दैट वे नाउ नोट टू कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स Are sometimes also called equal objects. Better understood when the two figures are exactly of same shapes and size. They are said to be congruent. This is represented using the symbol. This is a sign like that one. This relations of two objects being congruent is called congruence. Okay. Now congruence of plane figures. So. We have some important results on the congruence of plane figures. These are congruence of line segments. Two line segments are said to be congruent if they have the same length. A B and C D are two congruent line segments. That means A B Hamara kya hai congruent hai C D ke. Like in that way, we just write it. Hope you understood. Now, next beta. दिस इज़ कॉन्ेंस ऑफ एंगल्स टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम मेजर्स अगर दोनों के मेज़र हमारे सेम होते हैं एंगल पी ओ क्यू पी क्यू आर एंड एस टी यू आर टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स दैट मीन्स पी क्यू आर इज़ कॉन्ग्रेंट टू एस टी यू लाइक दैट वे

रेडिया आर इक्वल येस इन दैट्स सर्कल एक्स हमारा क्या है आर वन और वाई में हमारा क्या है आर टू सो दे आर यू नो कॉन्ग्रेंट टू इच अदर होप यू अंडरस्टूड वेल सो नाउ बेटा मूव ऑन मूव ऑन सॉल्व एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन द टू सेगमेंट्स गिवन अलोंग साइड्स आर कॉन्ग्रेंट इफ ए बी एस फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दैन वाट इज़ सी डी इक्वल टू सो सी डी कितना होगा सिंस द टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रेंट एंड ऑल्सो ए बी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ सी डी इज ऑल्सो फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अगर ये हमारी फोर पॉइंट फाइव है अगर हमें सी डी को ए बी के कॉन्ग्रेंट बनाना है सो so उसको भी फोर पॉइंट फाइव ही होना पड़ेगा ओके ओनली दैन वी कैन से दैट ए बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी डी

सो दिस इज डाइग्राम सो बी ओ सी हमारा ये दिख रहा है बी ओ सी सो सिंस द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी इज़ थर्टी सो द एंगल कॉन्ग्रेट टू इट आर ए बी सी ए बी एंड सी ओ डी ओके क्योंकि उनके भी हमारे कितने हैं थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री ही हैं सो वी कैन से दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर कॉन्ग्रेट ऑफ बी ओ सी नाउ एग्जाम्पल फोर सो हेयर इट इज़ गिवन If triangle DEF is congruent to triangle BCA, so write the part as parts of triangle BCA that correspond to E, EF, L, F, or Hamara DF. So solution one: Me E is equal to C, or EF is equal to CA, or F is equal to angle A, or DF is equal to beta. Yes, BA. Hope you understood well. So, now example 5. Is the following set of figures congruent? So, let's see. The following set of circle is congruent as they have the same radius. Means radii kitna hai? 3 cm of both the circles O1 and O2. Iska bhi hamara 3 centimeter hai and this is also 3 cm. So, yes they are congruent to each other. Now example 6. So, is the following set of figures congruent? So, ye kya congruent hai ki So, here it is given 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter. Or here is also 3 centimeter each. So, now the given set of fingers is congruent as they have the same side length. So, this is how we just do that congruent sums. Hope you understood well. Now, beta move on exercise 13.1.

they are congruent so yes they are congruent on that basis beta so it's true i hope you understood so these are the questions beta you have to complete it your own now move on next topic which is congruence of triangles so let's start with that consider two triangles man and boy as given below like that like that okay on matching हमारे वर्टेसिस कौन से हैं एम बी जो एम है वो हमारा ये एम हमारा बी के मैच हो रहा है मतलब कि ये इसके ओवरलैप आएगा ए हमारा ओ दिस इज़ ए और दिस इज़ इसमें आ जाएगा ओ और हमारा एन क्या होगा वाई सो so, ये हमारा एन है और ये हमारा वाई है सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मैच्ड सो नाउ साइड्स एम ए हमारा बी ओ के इक्वल ए एन हमारा ओ वाई और एम एन हमारा बी वाई एंगल्स एम ए एन बी ओ वाई और ए एन एम हमारा क्या हो जाएगा ओ वाई बी के और एम एन हमारा जस्ट इक्वल होगा ओ बी वाई के सो नाव वी फाइंड दैट एम एज इक्वल टू बी ओ एन इज इक्वल टू ओ वाई एम एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बी वाई साइड्स आर इक्वल एक्चुअली नाव एम ए एन इज़ इक्वल टू बी ओ वाई सो एंगल ए एन एम एंगल o y b so that is why we can say that triangles m a n is equal to or congruent to b o y beta hope you understood thus two triangles are congruent if all the six elements means parts of one triangles are equal to the corresponding elements of the other one of the set of measurement given below is sufficient to make a unique triangles so First one is the three sides that means side, 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 SSS. Two sides and the included angle. So we can say that SAS means side, angle, side. Third one is two angles and the included side. So angle, side, angle. And the fourth one is right angle, hypotenuse and side. Hope you understood well. Since these measurements determined a triangle. Uniquely, it is sufficient to compare one of the sets of measurement to test the congruency of a triangle beta. Now, criteria for congruence of triangles. So, let us see. The four criteria for congruence of triangles are as follows. First one is SSS, that means side, side, side. So, congruence conditions. Two triangles are congruent to each other if three sides of one triangles are respectively equal to the three sides of the other triangle. Hope you understood. After that, draw triangle ABC. AB is 5 centimeter, BC is 6, or C is 4.5 centimeter, Like that way. Draw another triangle PQR on a thin sheet of a paper with PQ 5 cm, Q R 6 and R P 4.5 cm. Place PQR. Okay. Draw a thin sheet of a paper on triangle ABC such that A B hamara falls on P Q or B C Hamara just overlap over on Q R P. You will find that C A falls exactly on RP. दैट इज द टू ट्रैंगल्स कवर इच अदर एग्जैक्टली देर फोर एंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर आर कॉन्ग्रेंट बिटा होप यू अंडर स्टूड वेल और हम इस फिगर्स के थ्रू भी दे सकते हैं मेज़रमेंट हमारा क्या है इनका एग्जैक्टली सेम है फाइव सेंटीमीटर फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर सो वी कैन सेट दैट दे आर कॉन्ग्रेंट्स टू ईच अदर नाउ मेजर द थ्री एंगल्स ऑफ अ एंगल ए बी सी एंड एंगल्स पी क्यू आर ओके सो यू विल फाइंड दैट द रिस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल्स एंगल ए इज एंगल टू पी बी हमारा क्यू के इक्वल है और सी हमारा इक्वल आएगा आर के बीटा ओके आई होप यू अंडरस्टूड नाइसली नाउ सेकेंड वन इज एस एस दैट मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन क्या होती है लेट्स सी टू ट्रा आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर ये हमारे ट्रायंगल्स गिवन है इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी ओके विद ए बी हमारा कितना होना चाहिए सिक्स सेंटीमीटर बी सी फाइव एंड ए बी सी हमारा फिफ्टी डिग्री ऑन अ थिन पेपर एंड ड्रॉ अनदर पी क्यू आर विथ पी क्यू सिक्स सेंटीमीटर ओ आर फाइव सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर हमारा होना चाहिए फिफ्टी डिग्री लाइक दैट वे ओके ये दो हमने क्या बना दिए ट्रैंगल्स बना दिए नाओ प्लेस ट्रैंगल पी क्यू आर ऑन अ टॉप ऑफ ट्रेंगल ए बी सी सो दैट पी क्यू आर फॉल्स ऑन ए बी सी पी पी क्यू फॉल्स ऑन ए बी एंड क्यू आर फॉल्स ऑन बी सी you will see that rp will coincide exactly with ca that is the two triangles cover each other exactly therefore abc is congruent to pqr hope you understood now move on third this is asa that means angle side angle so now congruence conditions of that one so टू ट्रैंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रैंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रैंगल सी द एग्जाम्पल्स फॉर मोर क्लेरिटी सी ड्रॉ हम करेंगे ए बी सी विद ए बी फाइव सेंटीमीटर और हमारा जो ए है फोर्टी डिग्री होना चाहिए और बी हमारा सिक्सटी डिग्री लाइक दैट वे ओके

और हमारा साइड से साइड हमारा उसमें मैच होना चाहिए देन सिंस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू वट एक्स क्यू विल फॉल ऑन बी ओके सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी सिंस पी आर विल एग्जैक्टली कंसाइंस विद ए सी ऑल्सो सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू साइड क्यू आर विल एग्जैक्टली कंसाइंस विद साइड बी सी दस द टू ट्रैंगल्स विल कवर ईच अदर एग्जैक्टली therefore triangle abc is equal to pqr i hope you understood well angle side angle now note if two angles of a triangle are respectively equal to two angle of another triangle then the third sides of a triangle is also equal remember this thing now better move on fourth one which is rhs means congruence conditions rhs Two right triangles are congruent to each other if the hypotenuse and one side of one triangles are respectively equal to the hypotenuse and one side of the other triangles. See, draw triangle ABC. Angle which is our 90. AB 4 and BC is how much? Yes, 5 in that way. On a thin draw sheet of a paper. नाउ ड्रॉ ऑन अदर पी क्यू आर जिसमें ये हमारा पी कितना है नाइन्टी पी क्यू फोर है और क्यू आर हमारा फाइव सेंटीमीटर है आफ्टर दैट प्लेस पी क्यू आर ऑन अ टॉप ऑफ अब इसको आप इसके ऊपर आप प्लेस करोगे सो so दैट इस तरीके से कि जो आपका पी है वो कहाँ पर आपका फॉल होगा ए पर पी क्यू हमारा फॉल होना चाहिए ए बी पर और क्यू आर हमारा फॉल होगा बी सी पर यू विल नोटिस दैट आर पी विल फॉल ऑन सी ए and the two triangles will coincide with each other exactly therefore hamara jo ye hai triangle abc is a congruent to pqr hope you understood well so now beta move on next solve examples so example 1 by applying sss congruence rule name the triangle which are congruent write the results in symbolic form also

so therefore ABD is congruent to ACT hope you understood so now B part this is a figure in that figure ABD and EFC we have AB हमारा EF के equal है और इसका कितना है हमें length is given 5.5 BD हमारा EC के equal है 4.5 centimeter और AD हमारा FC के equal है जो है हमारा Yes, 10 centimeter. So now apply SSS, means side 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 property. So ABD is congruent to EFC beta. Okay. So now move on example two. Without drawing the triangle, state the corresponding between the side and the angles of the following pairs of congruent triangles. So here it is given. ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर सो वी हैव स्ट्रैंगल्स ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर ए हमारा जस्ट यू नो इक्वल होगा पी के बी हमारा फॉल होगा क्यू पे और सी हमारा आर पे सो ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बी सी हमारा क्यू आर और ए सी हमारा इक्वल आएगा बेटा पी आर के सिमिलरली जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर होगा और जो बी है वो हमारा एंगल क्यू के बराबर होगा Or angle C is equal to angle R. So, we can say that ABC is congruent to yes, PQR beta. I hope you understood. Now, similarly, B part beta. Just do read and practice well. Now, example 3. In the figure FAST is a palogram. This is a palogram, and FS is the diagonals. This diagonal diagonal. We know that. नाव इज एफ टी एस इज इक्वल टू एस एफ गिव रीजन सिंस एफ एस टी इज़ अ पैलोग्राम सो एफ टी इज इक्वल टू एस एंड टी एस हमारा इक्वल आएगा एफ ए के अकॉर्डिंग ओके सो यस ट्रैंगल एफ टी एस इज कॉन्ग्रेन टू एस एफ सिंस इन ट्रैंगल एफ टी एस एंड एस ए एफ वी हैव हमारे पास क्या है एफ टी कितना है एस ए के बराबर सो टी एस हमारा हो जाएगा ए एफ सो दाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल ट्रैंगल एफ टी एस इज इक्वल टू ट्रैंगल एस एफ एस ए एफ होप यू अंडरस्टूड एंड इन बी पार्ट नो एफ एस डायसेक्ट टी एफ ए बेटा ओके नाउ मूव ऑन एग्जाम्पल फोर इन द एडजॉइनिंग फिगर

और ए बी सी हमारा इक्वल होता है डी ए बी के दिस इज ऑल्सो गिवन नाउ ए बी और ए बी हमारा क्या है यस yes, ये हमारा कॉमन है सो दस बाई एस एस कॉन्ग्रेंसी वी हैव ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ए डी ओके सो ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी और वी कैन से दैट सी ए बी इज इक्वल टू ए बी डी बेटा होप यू अंडरस्टूड वेल सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके सो नाओ

Since AB and CD bisect each other at O, this is the reason. Second part is which of the following statements are true? These two statements are whether this is true or that is true. So, first one is triangle AOC is congruent to DOB or triangle AOC is equal to BOD. So, answer is from A, we see that triangle AOC is. ट्राइंगल बी ओ टी सो ए ओ हमारा इक्वल हो गया बी ओ के बराबर और जो हमारा सी ओ है वो है हमारा इक्वल टू यस डी ओ के सो दैट इज़ वाई ए ओ सी इज़ इक्वल टू बेटा बी ओ टी तो दस वी कैन से दैट सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू दैट मीन्स ए ओ सी इज़ कॉन्ग्रेंस टू बी ओ टी आई होप यू अंडरस्टोड सो दिस इज हाउ वी जस्ट डू दैट काइंड ऑफ सम्स ओके सो नाउ एग्जाम्पल सिक्स इन फिगर्स मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द ट्राएंगल्स आर इंडिकेटेड बाय अप्लाइंग एस एस कॉन्ग्रेंस रूल स्टेट द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राएंगल्स इफ एनी इन ईच केस इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रैंगल्स राइट दैम इन अ अम्बॉलिक फॉर्म सो हेयर इट इज गिवन ए बी सी एंड पी क्यू आर लाइक दैट वे ओके अब हम क्या करेंगे इन दोनों में ए सी हमारा जो है वो किसके बराबर है आर पी के और वो कितना है बेटा 2.5 सेंटीमीटर और बी सी हमारा किसके इक्वल है क्यू पी के दैट इज़ 3 सेंटीमीटर एंड ए सी बी एंगल और आर पी क्यू ये दोनों हमारा कितना है कितने डिग्री के बना रहे हैं 35 डिग्री के सो so, यहाँ पर हमारे क्या है दो साइड गिवन है और हमारा एक एंगल गिवन है दैट इज़ वाई ये क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है बाई एस एस रूल के अकॉर्डिंग ओके okay? ये बी पार्ट का डायग्राम है इसमें हम क्या करेंगे देखते हैं इसका आंसर सो हेर इट इज़ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस कितना है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड हमारा एंगल क्यू पी आर और एस आर पी ये दोनों कितने हैं थर्टी डिग्री बना रहे हैं सो so हमारा पी आर आर पी के इक्वल हो गया सो इसमें हमारा कौन सा रूल अप्लाई हुआ है एस ए एस का टू साइड्स एंड वन एंगल सो वी कैन से दैट दे बोथ आर कॉन्ग्रेंस ओके सो नाव मूव ऑन एग्जाम्पल सेवन इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ ए बी इज पैलर टू सी डी जो हमारा ए बी है वो सी डी के पैलर है और ए बी हमारा इक्वल है सी डी के देन ए बी इज इक्वल टू सी ई ओके और बी ई -E हमारा होगा डी ई के ए ई इज इक्ल टू डी ई के या फिर ऑप्शन फोर ए ई इज ईक्ल टू सी ई सो लेट्स सी इन ट्रैंगल ए ई बी एंड डी ई सी हमारे पास क्या क्या गिवन है ए बी तो हमारा सी डी के इक्वल है दिस इज गिवन एंड बी ए ई सी डी ई ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल सो ए बी हमारा पैर हो गया सी डी के आफ्टर दैट सो नाओ एंगल बी ए ई हमारा इक्वल होता है एंगल सी डी ई के जो कि क्या है हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स है ओके एंड ए बी ई हमारा इक्वल है डी सी ई के सो देअर फोर ए ई बी इज इक्वल टू डी ई ई सो ए ई हमारा इक्वल हुआ बेटा डी ई के बराबर सो दीज आर द यू नो इसमें कौन सा रूल लगा बाय ए एस ए मीन्स ये हमारा ए एस ए कॉन्ग्रेंसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर

एंगल डी ए बी एज वेल एज डी सी बी देयर फोर बी ए सी हमारा इक्वल होना चाहिए डी ए सी के सो बी सी एज इक्वल टू एंगल डी सी एके सो द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्स इन ट्रैंगल बी ए सी एंड डी ए सी आर कौन कौन से हो गए हमारे नंबर वन बी ए सी इज़ इक्वल टू डी ए सी दिस इज गिवन एंड बी सी ए इज़ इक्वल टू डी सी ए ये हमारा कॉमन है दैट इज़ वाई सी ए हमारा हो गया बेटा सी ए के इक्वल होप यू अंडरस्टूड नाउ बी पार्ट आंसर सो बी में क्या है हमारा हम कहेंगे येस yes, हमारा जो ट्र एंगल बी ए सी है वो कॉन्ग्रेंट है हमारा डी ए सी के सीस फ्रॉम इक्वेस वन वी सी दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी ओके सो बी सी एज़ इक्वल टू डी सी एंड सी ए हमारा इक्वल हो गया सी ए के सो दस बाई एस एस ए कॉन्ग्रेंस रूल ट्रैंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी के बराबर आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेटा सो नाओ सी पार्ट आंसर इज यस वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी सो हमारा जो ट्रैंगल है बी ए सी इज़ कॉन्ग्रेंस हो गया डी ए सी के सो ए बी हमारा इक्वल है बेटा ए डी वाई कॉरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राएंगल्स ओके एंड डी पार्ट का आंसर है हमारा यस वाई सी डी इज इक्वल टू सी बी सिंस ट्राएंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंस टू डी ए सी बेटा होप यू अंडरस्टूड फॉर दैट थिंग्स यू नीड टू डू प्रैक्टिस बेटा ओके सो नाउ एग्जाम्पल नाइन इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एल इज़ परपेंटिकुलर टू ओ बी एंड पी एम इज प्रपेंटिकुलर टू ओ ए सिंस सच दैट पी एल इज इक्वल टू पी एम इस ट्रैंगल पी एल ओ इज़ कॉन्ग्रेंड टू पी एम ओ गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर सो दिस इज़ अ डाइग्राम इन ट्रैंगल एस पी एल ओ एंड पी एम ओ वी हैव पी एल ओ और पी एम ओ कितना हमें गिवन है इट्स अ नाइनटी डिग्री इज गिवन हेयर सो दैट इज़ वाई ओ पी और ओ पी हमारा क्या बन गया ये हमारा हो गया हाईपोटोनियस सो पी एल इज इक्वल टू पी एम दैट इज ऑलरेडी गिवन सो दैट इज़ वाई आर एच एस कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रेंसी अप्लाई हेयर सो वी हैव ट्रैंगल पी एल ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी एम ओ बेटा ओके सो नाओ एग्जाम्पल टेन बाई अप्प्लाइंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल नेम द ट्रेंगल विच आर कॉन्ग्रेंट राइट द रिजल्ट इन सिम्बॉलिक फॉर्म ऑल्सो सो दिस इज डाइग्राम ओके एंड दिस इज सेकेंड डाइग्राम सो वी आर जस्ट डूइंग फर्स्ट वन सो सॉल्यूशंस इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी वी हैव अब इन दो ट्रैंगल्स में हमें क्या क्या गिवन है ए बी हमारा इक्वल है बी ए के बराबर में विच इज़ थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड ए सी हमारा इक्वल है बी डी के विच इज़ हमारा कितना है टू सेंटीमीटर सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए दैट इज नाइंटी डिग्री सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल्स वी कैन से दैट ट्रैंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी ए डी होप यू अंडरस्टोड सो नाउ बेटा बी पार्ट इन बी पार्ट इन ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल ए डी सी वी हैव ए सी इज इक्वल टू ए सी ये तो हमारा कॉमन ही है एंड आफ्टर दैट ए बी हमारा इक्वल है ए डी के जो कि हमारा कितना है थर्टी सिक्स सेंटीमीटर है लाइक दैट वे एंड आफ्टर दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी दैट इज नाइंटी डिग्री सो वी कैन से दैट हेयर इज़ अ आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल्स ट्र एंगल ए बी सी इज़ अ कॉन्ग्रेंस टू ए डी सी होप यू अंडरस्टूड वेल सो फॉर दिस यू ऑन यू नीड टू डू प्रैक्टिस बेटा so we just move on one more example which is example 11 so in figure abc is an isosceles triangles with ab hamara kitna ac and ad is one of the altitudes so first one is state three pairs of equal parts in triangle adb and adc so solutions ए बी और ए सी ये हमारे क्या हैं इक्वल है एंड जो हमारा एंगल है ए डी बी वो हमारा किसके बराबर है एंगल ए डी सी के ये कितने हैं हमारे 90 डिग्री का है सो द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन टू ट्रा एंगल्स ए डी बी एंड ए डी सी ए बी और ए सी इज़ इक्वल है दिस इज़ गिवन एंड आफ्टर दैट ए डी बी और ए डी सी ये भी हमारे इक्वल है इट्स ऑलरेडी गिवन और ए डी और ए डी हमारा क्या है कॉमन है यस दिस इज कॉमन ऑल्सो सो बी पार्ट इज यस हमारा ए डी बी इज़ कॉन्गेंट टू ए डी सी सिंस फ्रॉम इक्वेशंस वन ए बी इज इक्वल टू ए सी ए डी हमारा ए डी के इक्वल है एंड जो हमारा ए डी बी है वो हमारा एंगल ए डी सी के इक्वल है सो बाई द आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल्स कंप्लीटली ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू बेटा ए डी सी होप यू अंडरस्टूड वेल सिक्स पार्ट का आंसर है हमारा वी कैन से दैट येस एंगल जो हमारा बी है वो हमारे सी के इक्वल है बिकॉज ट्रैंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी ओके एंड डी पार्ट का जो हमारा आंसर है वी केन से दैट यस बी डी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज ट्रेंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी सी के बराबर होप यू अंडरस्टूड नाउ बेटा एग्जाम्पल ट्वेल्व कंस्ट्रक्ट आ ट्रैंगल ए बी सी विद ए बी जिसमें हमारा होना चाहिए थ्री सेंटीमीटर ए सी हमारा होना चाहिए टू सेंटीमीटर और बी सी हमारा होना चाहिए सिक्स सेंटीमीटर सो लेट स्टार्ट वी फर्स्ट चेक विद ट्रैंगल्स इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी सो ए बी प्लस ए सी दैट three plus प्लस is इज centimeter. सेंटीमीटर सो बी सी हमारा कितना गिवन है Six सेंटीमीटर Six सेंटीमीटर Now ए बी प्लस ए सी ये जो हमारा दोनों हैं ये हमारा क्या हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा बी सी के अकॉर्डिंग ओके सो इट्स नॉट अ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रेंगल ए बी सी नाव स्टेप नंबर यूजिंग कम्पास ड्रॉ एन एंगल एक्स बी सी ऑफ सिक्सटी डिग्री एट पॉइंट बी लाइक दैट वे सिक्सटी डिग्री का आपने यहाँ पर बना लिया एंगल स्टेप टू विद बी एज अ सेंटर एंड अ रेडियस इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मार्क एन आर कटिंग द रे बी एक्स एट एके फिर आपने फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का एक कट मारना है आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे ज्वाइन ए सी विद रूलर जो हमने ये कट मारा ये 4.5 का उसके बाद हम रूलर से ज्वाइन करके एक हम क्या बनाएंगे रिक्वायर्ड हमारा ट्राएंगल बन जाएगा लाइक दैट आई होप यू अंडरस्टूड द कंस्ट्रक्शन नाउ एग्जाम्पल थर्टीन कैन द फॉलोइंग ट्रा विद द गिवन मेजर्स बी कंस्ट्रक्टेड इफ नॉट गिव रीजन वाई ओके एंगल सी है 45 डिग्री बी कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर और ए हमारा होना चाहिए 5 सेंटीमीटर सो लेट्स फर्स्ट ड्रा रफ स्केच ऑफ ट्रैंगल ए बी सी विद द गिवन मेजरमेंट लाइक दैट वे ओके एक हम रफ डायग्राम बनाएंगे इफ़ वी ड्रॉ ए फर्स्ट अगर हम ए फर्स्ट बनाएंगे एंड देन कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ फोर्टी डिग्री एट सी

अब 60 डिग्री आपको कैसे करना है प्रोटेक्टर के थ्रू बनाना है टेक ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आग अब ए को सेंटर मार के आपको ड्रॉ आपने बना बनानी है कितने रेडियस की फाइव सेंटीमीटर की जो इंटरसेक्ट कर रही है बी एक्स को किस में कर रही है सी पे कर रही है नाउ जॉइन ए सी एंड ए बी सी इज आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड ट्रैंगल्स हो गया सो नाउ सी पार्ट सी पार्ट में हम क्या करेंगे लेट्स फर्स्ट ड्रॉ बी सी कितना फाइव सेंटीमीटर तो हमने बी सी फाइव सेंटीमीटर बनाया एंड देन कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री एट बी फिर बी पे सिक्सटी डिग्री हमने बनाना है देन विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस फोर सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इन इंटरसेक्टिंग बी एक्स एट ए नाउ जॉइन ए सी ओके बेटा सो दिस द डायग्राम जस्ट रीड एंड प्रैक्टिस वेल

या एस होता है या आर एच एस होता है सो so, ये हमारा है लाइक एस ए एस सो जस्ट मैच विद दिस इज़ एस ए एस दैट मीन साइड एंगल साइड क्योंकि इन दोनों में दो दो साइड है और एक हमारा क्या है एंगल गिवन है सेकेंड फिगर में हमारा क्या है ये हमारा है आर एच एस एक हमारा क्या है इसके हाइपोटेनियस साइड्स है तो ये हम मैच कर देंगे विथ सी वन से एंड आफ्टर दैट हमारा ये क्या है इसको मैच करेंगे हम एस 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 क्योंकि इसमें हमें क्या गिवन है इसमें कोई एंगल नहीं है इसमें ओनली साइट साइट साइड गिवन है सो दिस इज़ मैच विथ फर्स्ट वन एंड आफ्टर दैट ये हमारा क्या बचा ये हमारा बच्चा एंगल साइड एंगल क्योंकि एंगल भी गिवन है और साइड भी गिवन है एक हमारा साइड है और दो हमारे एंगल है सो जस्ट मैच विथ एस ए i hope you understood well so better these are the other question you have to complete it your own okay so with this we ended the chapter i hope you understood well so you need to do practice do practice and do rest of these exercises by your own